हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं विपुल, स्टार्टअप फाइनेंसिंग वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा व्हाट इज द स्टार्टअप फाइनेंसिंग, व्हाट आर द इनोवेटिव वेज टू रेज अस अ फंड फॉर द स्टार्टअप बिजनेस एंड हाउ टू प्रिपेयर पिच प्रेजेंटेशन टू कन्वे इन्वेस्टर्स। आज हम लोग देखेंगे सोर्स ऑफ द कैपिटल फॉर द स्टार्टअप बिजनेस के अंदर बूटस्ट्रैपिंग। ये बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है, बूटस्ट्रैपिंग के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या मेथड्स हैं बूटस्ट्रैपिंग के, जो मेथड क्या क्या हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बूटस्ट्रैपिंग होता क्या है। आप टर्म देख रहे हैं बूटस्ट्रैपिंग, सोच रहे होंगे कोई नया टेक्निक है, नया टर्म है, लेकिन एक्चुअल में बूटस्ट्रैपिंग कोई नया टेक्निक या टर्मोलॉजी नहीं है। इसे सीधा सीधा कहता है कि बूटस्ट्रैपिंग इज अ सोर्स ऑफ द फाइनेंस, जहां पर आप अपने पर्सनल फाइनेंस या जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है उससे अपने आप बिजनेस को आप फाइनेंस करते हैं। देखिए, कॉमन मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स करते हैं वो अननेसेसरी एक्सपेंसेस ऑन मार्केटिंग, ऑफिस इक्विपमेंट इनिशियल में करते हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इस केस में क्या होता है कि आप वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, बहुत से एक्सपेंडिचर आप एक्सेस कर देते हैं, एक्चुअली आपको जरूरत भी नहीं होती तो भी आप एक्सपेंडिचर कर देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बाय द स्टार्टअप अगर अपने सेविंग से करते हैं तो ये दिस इज द रिक्वायर्ड, दैट इज टेक इट्स अ वेरी कॉशियस अप्रोच, इट कट्स वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एंड इनेबल प्रमोटर टू बी ऑन देयर टोज ऑल द टाइम। देखिए, बूटस्ट्रैपिंग रियली मीन दैट लॉन्चिंग एंड ग्रोइंग योर स्टार्टअप बिजनेस विथ रिसोर्सेज दैट यू ऑलरेडी हैव and pulling yourself up with the little grit and sweat equity. Technically, you could be bootstrapping if you have a six-figure retirement you can tap in Indian terms. Most of the working with the substantially less, although it is also true that as a plenty of the startup are now worth billion that were started $1,000 or less. So bootstrapping, यह है कि आपका पर्सनल फाइनेंस या फिर जो आपके ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है उससे आप अपने बिजनेस, स्टार्टअप बिजनेस को फाइनेंस करते हैं, सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं बूटस्ट्रैपिंग के बेनिफिट क्या क्या है। तो बूटस्ट्रैपिंग एट द स्टार्ट हैज मेनी बेनिफिट इवन फॉर दोज होपिंग टू रेज बिलियंस इन कैपिटल लेटर ऑन। बाद में हम प्लान कर रहे हैं कि हम कैपिटल रेज करेंगे, लेकिन इनिशियल में अगर हमको प्रूव करना है इन्वेस्टर को लिए भी, बाद में कन्विंसिंग होगा वो कि हम अपने फाइनेंस से शुरू में कंपनी को रन करके दिखाया, अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुल करके दिखाया। तो इसके लिए बूटस्ट्रैपिंग इज द स्टार्ट इज मेनी बेनिफिट वन ऑफ द दिस, और यू डू नॉट नीड टू रिपोर्ट टू इन्वेस्टर हु हैव एक्सपेक्टेशन। शुरू में आपको देखिए, अगर आप इन्वेस्टर से पैसा रेज करते हैं तो उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको रिपोर्ट करना होता है आपको, उसके टर्म्स एंड कंडीशन को मानने पड़ते हैं आपको। तो अगर आपने सेल्फ फाइनेंसिंग के थ्रू इसको किया, अपने ऑपरेटिंग रेवेन्यू के थ्रू इसको सपोर्ट किया, तो इन दैट केस आपको कहीं किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी वन, यू आर नॉट डायल्यूटिंग योर इक्विटी पोजिशन। एंड नेक्स्ट कि आप अपने बिजनेस में किसी को पार्टनर नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे अपने ऑनरशिप को शेयर नहीं कर रहे हैं, ऑनरशिप को डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। एंड आल्सो एसेंशियल फॉर द फाउंडिंग एंटरप्रेन्योर टू रिकॉग्नाइज द वेरी रियल इम्प्लीकेशन, लिमिटेशन एंड रिस्क। मतलब एक्चुअल में क्या उसका रियल इम्प्लीकेशन है, क्या लिमिटेशन है और क्या रिस्क है, इसको आप रिकॉग्नाइज करते हैं प्रैक्टिकली ऑन रियलिटी बेस्ड, आप जाकर उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। व्हाइल टू मच मनी इन द हैंड्स ऑफ द इनएक्सपीरियंस अनडिसिप्लिन कैन बी ए नेगेटिव थिंग एंड टू लिटिल कैपिटल इज अनक्वेश्चनेबली वन ऑफ द मोस्ट रीजन, कॉमन रीजन व्हाई बिजनेस फेल। तो दोस्तों, इन ऑर्डर टू मेक बूटस्ट्रैपिंग वर्क फॉर यू, यू विल हैव टू मास्टर द फॉलोइंग। कहते हैं गुरिला मार्केटिंग, बजटिंग, टाइम मैनेजमेंट, हायरिंग एंड ग्रोथ हैकिंग। गुरिला मार्केटिंग किसको कहते हैं, जब आपका कोई मार्केटिंग ऐसा मार्केटिंग टैक्टिस है जिसमें आप
सरप्राइज और अनकन्वेंशनल इंटरेक्शन करते हैं टू प्रमोट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, दैट इज द गुरिल्ला मार्केटिंग। तो अगर ये इन चीजों में आप मास्टर हैं तो आप पूछिए कि आर दिस योर स्ट्रेंथ, आर दे द स्ट्रेंथ ऑफ वन ऑफ योर को फाउंडर्स, इफ नोट, अगर नहीं है तो आपका लॉन्ग टर्म बूट स्टेपिंग में नोट फॉर यू। बूट स्टेपिंग कब वर्क करेगा? जब अपने ऑपरेटिंग रेवेन्यू से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपने मैन पावर हायर किया है उसको आप रेगुलर सैलरी दे रहे हैं, आपने जो बजट किया है उसके अकॉर्डिंगली आपका सब कुछ रिसीवेबल आपको टाइम से आ जा रहा है, पेबल को आप जो क्रेडिटर्स है उसको भी आप पे कर दे रहे हो टाइम से, अपना बजटिंग के अनुसार सब कुछ आपका मैनेज हो जा रहा है, ठीक है, टाइम लाइन के साथ आप अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी, कस्टमर से रिकवरी, ठीक है, तो ये सब सारे जो चीजों आप टाइम से कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी में, ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आप उसके सरप्राइज या कन्वेंशनल इंटरेक्शन के तरीके को आप यूज कर ले रहे हैं, ग्रोथ हैकिंग, जो ग्रोथ है आप उसको हैक कर रहे हैं, क्या अगर सपोज मान लीजिए अगर आपको मार्केट को हैक करना है और आपको मोर फंड की जरूरत है, उसमें आप कहेंगे बूट स्टेपिंग पर डिपेंड करेंगे, तो बूट स्टेपिंग से आपका काम नहीं चलेगा, उसमें आपको फंड चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो अगर इन चीजों में आप मास्टरिंग है तो आप बूट स्टेपिंग के लिए आप जा सकते हैं इन लॉन्ग टर्म। इट टेक्स टाइम फॉर इवन द ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट एंड बिजनेस मॉडल टू स्केल, बिल्ड देयर ओन कैपिटल एंड सस्टेन देमसेल्फ, एंड इफ यू वेट अंटिल यू गो फ्लैट ब्रोक, that can be a big turn off to the other sources of capital. All you have been proven is that your idea wasn't financially viable, or at least that you don't have the skill to make it profitable. So understand the good, bad and the ugly of the bootstrapping, embrace it, but respect its limitation. What are the limitation, real implication, what are the risk, तो आप उसको रिकॉग्नाइज करते हुए देखें। अब आइए हम लोग देखते हैं बूटस्ट्रैपिंग के कुछ मेथड देखते हैं। जैसे आप सबसे पहला देख रहे हैं ट्रेड क्रेडिट, तो जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सप्लायर आर द बहुत कम रिलक्टेंट टू गिव ट्रेड क्रेडिट, तो दे विल इंसिस्ट ऑन पेमेंट ऑफ देयर गुड सप्लाई इधर बाय कैश, कैश और बाय द क्रेडिट कार्ड्स। तो लेकिन कुछ इसका वे आउट आप निकाल सकते हैं, उस तरह सिचुएशन के अनुसार आप अपना वेल क्राफ्टेड फाइनेंशियल प्लान लेके आप अपने सप्लायर से डिस्कस कर सकते हैं, अगर बिग फर्म है उसके CFO से डिस्कस कीजिए, कन्विंस करने की कोशिश कीजिए, सो डेट आपको ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट पीरियड मिल जाए आपको। दूसरा फैक्टरिंग, फैक्टरिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, फैक्टरिंग में क्या होता है कि जैसे फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, जहां पर जो आपके डेटर्स हैं, रिसीवेबल्स हैं, वो किसी कॉमर्शियल फाइनेंस कंपनी को सोल्ड कर दिए जाते हैं टू रेज कैपिटल। फैक्टर क्या करता है, वो गॉट होल्ड ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एज्यूम, उनका काम होता है कलेक्ट करने का, task of the collecting the receivable as well as what would have been the paperwork, ठीक है, वो सारा वो करते हैं। Factoring can be performed on a non-notification basis. It means customer not to told that their accounts have been sold. उनको नहीं पता होता कि किसने हमारा account sold कर दिया गया, receivable को sold कर दिया गया है, ठीक है, उसको लगता है कि हम direct कंपनी से ही डील कर रहे हैं। इसके मेरिट और डिमेरिट्स भी है फैक्टरिंग में, तो क्या क्या मेरिट्स हैं, तो प्रोसेस ऑफ फैक्टरिंग में एक्चुअली रिड्यूस कॉस्ट फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट एक्चुअली रिड्यूसेस कॉस्ट एसोसिएटेड विद द मेंटेनिंग अकाउंट रिसीवेबल, सच एज आपके बुक कीपिंग, कलेक्शन एंड क्रेडिट वेरिफिकेशन के जो कॉस्ट आ रहे हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं आपको। इफ कंपेरिजन कैन बी मेड बिटवीन दिस कॉस्ट एंड फीस पेबल टू द फैक्टर, इन मेनी केसेस इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट it even proved fruitful to utilize this financing method. In addition to reducing internal cost of the financing, factoring also frees up the money
that would otherwise be tied to receivable. Factoring can be very useful tool for raising money and keeping cash flowing. That ये होता है कि आपको business के लिए आपको immediate fund मिल जाते हैं इस केस में, और जो collection वगैरह में जो आप खर्चे आते हैं तो वो भी reduce हो जाता है. ये अच्छा एक तरीका होता है. इसके अलावा लीजिंग एक अच्छा ऑप्शन है. आजकल आजकल देखते होंगे ज्यादातर जो बिजनेस है, स्टार्टअप है, जो बहुत से इक्विपमेंट वगैरह जो है वो लीज पे ले लेते हैं. तो इससे बहुत से बेनिफिट है कि उनको एक लमसम अमाउंट उनको नहीं देना पड़ता है और पीरियडिकल अमाउंट जाता है वो, और उसके पूरे एक्सपेंसेस उनको मिल जाते हैं, क्लेम कर लेते हैं, 100% एक्सपेंसेस क्लेम करते हैं. इसके अलावा इनकम टैक्स में भी खर्चे पूरे अलाउ हो जाते हैं वो. तो ये लेसी का बेनिफिट होता है. और इसके अलावा लेसर जो होता है, लेसर को इक्विपमेंट के डेप्रिसिएशन पर, डेप्रिसिएशन के खर्चे वो उनको मिल जाते हैं, डेप्रिसिएशन पर टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है और पीरियडिकल पेमेंट भी उसको रिसीव होते ही रहता है. तो डेट इज द बेनिफिट ऑफ द लीजिंग. तो लीजिंग इज द popular method of the bootstrapping is to take the equipment on lease rather than the purchasing it. It will reduce capital cost and also help a lazy person who take the asset on lease to claim tax exemption. So it is better to take a photocopy machine or automobile or van on lease or plant mein bahut se equipment wagera bhi jo hain aajkal wo bhi aap kar sakte hain. To avoid paying out lump sum money, which is not at all feasible for the startup organization. बहुत से organization आप metro city वगैरह में देख रहे होंगे, तो वहाँ पर laptop वगैरह जो होते हैं initial वगैरह में, तो वो लोग hire पे ले लेते हैं. There are advantages for the both the startup business man using the property or equipment lessee and owner of the debt property of equipment lesser. The lesser enjoy tax benefit in the form of the depreciation on the fixed asset lease and may gain from the capital appreciation. अगर कोई property का होता है तो उससे भी benefit मिल जाएगा. As well as the making a profit from the lease, the lessee benefit by making a smaller payment, retain the ability to the walk away from the equipment at the end of the lease term. The lessee may also claim the tax benefit in the form of the lease rental paid by him. तो ये थे बूटस्ट्रैपिंग के कुछ यूजुअल मेथड. लीजिंग हो गए आपके, फैक्टरिंग हो गए और ट्रेड क्रेडिट. तो ये थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे समझा दोस्तों कि बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है. बूटस्ट्रैपिंग एक सिंपल सा टर्म है जिसमें आप अपने ऑपरेटिंग रेवेन्यू से अपने बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, पर्सनल फाइनेंस से बिजनेस को सपोर्ट करते हैं और आप किसी थर्ड पार्टी पर आप डिपेंडेंट नहीं होते हैं 100%. इस कोई इन्वेस्टर को से आप पैसा रेज नहीं करते. तो इससे क्या होता है कि आप एक तो इक्विटी भी डाइल्यूट नहीं होता है आपका, और आप अकाउंटेबल भी नहीं होते हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं आप दूसरे के प्रति, जो इन्वेस्टर के प्रति. तो ये थे बूटस्ट्रैपिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इन केस ऑफ एनी क्वेरी और डाउट यू मे ड्रॉप योर मैसेज इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच.